सब मेरा कोई दिमाग में था नहीं, लेकिन जब पूछा जाने लगा तो मैं एक दिमाग में आता है मुगले आजम के जो दिलीप कुमार थे उनका रोल मैं करना चाहता हूँ, उस तरह का जो एटीट्यूड था उस तरह का कैरेक्टर करना चाहता हूँ लाइफ। नहीं, मैं इस तरह की फीलिंग तो खैर मैं इन सब चीज़ों पे मेरा बिलीव नहीं होता, बट हाँ ये माझी की वजह से मुझे लग रहा है कि थैंक गॉड एक क्योंकि अच्छी फिल्म थी माझी और एक इंस्पायरिंग फिल्म थी यूथ स्पेशली। मैं फिर से बार बार वही कहूँगा कि नॉर्थ में स्पेशली यूथ ने इस फिल्म को बहुत ही बार बार देखा तो खुशी होती सबकी पूरी टीम के लिए। फगुनिया तो खैर माइंड ब्लोइंग थी। हमने प्लान किया था कि केतन सर ने प्लान किया था कि इस फिल्म का जो भी प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे वो लोग जो भी जितना भी मतलब कुछ होगा उनका कुछ शेयरिंग होगी तो वहाँ स्कूल में वो करेंगे। वो क्या भी था जब हम लोग गए थे वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल अगर मौका लगा तो जाऊँगा, हम लोग प्लान भी करेंगे। अच्छा थोड़ा बहुत था ये, इससे ज़्यादा क्या होगा। मैं किसी एक एक्ट्रेस का नाम लूँगा तो बाकी बुरा बन जाएगा। मैं मेरे स्कूल से बाहर आम लोग थे जिनसे सीखा मैंने, बहुत सारे लोग थे आम लाइफ में जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, जिनके कामों से बहुत इंस्पायर हुआ। वो ज़रूरी है कि वो एक्टर ही हों, आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं, जो अपने काम में परफेक्शन होता है जिनका उनसे इंस्पायर हो सकते हैं और मैं रहा उन लोगों से इंस्पायर। आप जानते ही उनको क्या क्या बताऊँ। नवाजी नवाजी दर्शन मांझी ने एक पहाड़ तोड़ा था, सबसे एक इम्पॉसिबल काम किया था आपने अपनी लाइफ में, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल काम आपने कौन सा किया, कौन सा वो बहुत था जो आपको बहुत कहने के लिए बहुत इम्पॉसिबल था लेकिन आपने आज उसको पॉसिबल कर दिया आपके हिसाब से। सी अब पॉसिबल तो अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल हैं अभी भी मेरे लिए जिनको पॉसिबल करना है और लाइफ में मतलब कोई काम नहीं है मेरे लिए। जो कैरेक्टर मुझे मिलता है वो इम्पॉसिबल ही होता है एक तरह से कैरेक्टर, है ना। तो अभी ये कहना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल कर दी और ये अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अभी तो शुरुआत है। बहुत बहुत जल्दी नज़र आने वाली नहीं, अभी अनऑफिशियली है, अभी हम लोग ने शुरुआत नहीं की उस पर, अभी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज पे है बट बहुत जल्दी मैं नज़र आने वाली हूँ। यार हॉलीवुड में ज़्यादातर वो अगर कुछ अच्छा कुछ डेफिनेटली होता है तो करूँगा, अदरवाइज जो वहाँ पे कमर्शियल फिल्में वो ज़्यादातर उसके ऊपर बन रही हैं, जो फ्रेंचाइजी होती हैं या ये जो डायनासोर इनके ऊपर बनती हैं, एडवेंचरस होती हैं। अगर कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं करूँगा। यूथ के लिए मैं तो खैर इस लायक नहीं हुआ हूँ, बट हाँ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो जो अपनी उनकी खासियत होती है, हर एक इंसान की अपनी खासियत हो, एक यूनिकनेस होती है, वो मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वही देखने लायक होती है। थैंक्स लॉट यू बैक, थैंक यू। चाचा बैठ जाओ बस मुंह से हो गया। सर सोलो फोर राइट से पुलिस सर।
All right, right. Center. Left. Thank you. Thank you. Captain, give away. Come on, ma'am. Come on. Sorry. Sir, photos ke liye. I didn't see this. Sir, samne. Yes, Nawaz bhai, sir. Piracy ko tod rahe. मेकर जो आपकी जिद रही है, यू नो सिनेमा बनाना है तो अपने तरीके से बनाना है, जो आपको समझ में आए, आप एंगल नहीं देखिए कमर्शियली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ट्रेंड को तोड़ते हैं, आप मानते कहीं वो जिद पूरी हो गई? ज़िद कभी पूरी होती है क्या? ज़िद कभी पूरी नहीं होती, ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है फिल्म। जितना प्यार ऑडियंस से मिल रहा है इस वक्त वो मेरे लिए काफ़ी है, और शायद यही आगे एक वो जुनून बनाए रखेगा कि फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को छू जाए। ऐसा क्या खास था जो इतना ऑडियंस को छुआ? यू नो द वे यू हैव डायरेक्टेड इट, द वे इट इज रिटन, और दो इट इज अबाउट दशरथ मांझी, और द वे नवाज परफॉर्म। आपने सारी खूबियां तो गिनवा दी अपने क्वेश्चन में। नवाज का परफॉर्मेंस, जो बेसिक जिनके जीवन पर ये फिल्म आधारित है, दशरथ मांझी का जीवन जो कि इतना इंस्पायरिंग जीवन है, बहुत ही टेक्निकली साउंड फिल्म है। वायाकॉम की मार्केटिंग टीम ने जो इसमें काम किया है वो, और बाद में आखिर में तो ऑडियंस का प्यार। यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऑडियंसिस का, जिन्होंने ये फिल्म 10 दिन पहले लीक होने के बावजूद थिएटर में जाके फिल्म को देखना और एक्सपीरियंस करना चुना है। ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है, अभी भी उसका नशा उतरा नहीं। केतन जी, लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये फिल्म लीक कराई गई क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर जो दिखाया गया, आप क्या मानते हैं एज एन डायरेक्टर, क्या कितना लोग जो ये इस तरह की बातें करते हैं? जो लोग बातें करते हैं वो बातें करते हैं, अभी तक हमें कोई पता चला नहीं है कि ये फिल्म कैसे लीक हुई है। कोशिश जारी है, होपफुली पता चल जाएगा कि कहाँ से लीक हुई है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके फिल्में बनाते हैं और उसके बाद इस तरह से उसको ज़ाया कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। They are still trying to figure out where the film is leaked from, and Viacom would be in a better position to say that. हम लोग अभी तक प्रमोशन में ही लगे हुए थे और सारा भारत भ्रमण कर लिया इस फिल्म के प्रमोशन में, और जो रिस्पॉन्स सिर्फ बम्बई या दिल्ली से ही नहीं पर छोटे शहरों से भी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग है। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हम लोगों के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने शूटिंग की थी, जिन गांव वालों के साथ मिलकर शूटिंग की थी, उनके परिवार वाले जो जिन्होंने फिल्म की शूटिंग में पार्टिसिपेट किया था, सब दशरथ मांझी की डेथ एनिवर्सरी पे
उसी गांव में उसी रास्ते के नीचे मिले और बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। वो प्रोसेस शुरू हो गया है, जब हम गांव में गए थे वहीं से कंट्रीब्यूशन देना शुरू हो गया है। अब आगे आगे देखिए क्या हो। सॉरी जी, फैक्ट इज समटाइम्स और क्वाइट फ्रीक्वेंटली स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कौन ये यकीन करता अगर मैं कहानी लिखता कि एक आदमी ने 22 साल तक पहाड़ तोड़ दिया, आप में से कोई उसको उस पर यकीन नहीं करता, मैं भी यकीन नहीं करता। पर जब ये आपके सामने एक ऐसा आदमी आ जाता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाता है, तब लगता है कि ये कितनी इंस्पायरिंग कहानी है। एक अगेन बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है मेरे हिसाब से तो दुनिया की हिस्ट्री में सबसे फैसिनेटिंग फीमेल कैरेक्टर है झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, उस पर फिल्म बनाने जा रहा हूँ जी। सॉरी, इस फिल्म ने मुझे ये सिखाया, मांझी द माउंटेन मैन ने ये सिखाया कि इम्पॉसिबल इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, असंभव आपके दिमाग में है, असंभव को संभव करना वो भी आपके दिमाग में। Are not the people that I would want this DVD for, because I think
they don't stand for supporting good cinema, brave cinema. Piracy is a big scourge for the industry. So I think that segment anyway doesn't care about this. I think people who care for this piece of cinema, they will wait for the DVD. And I'm sure there is a segment for that. Like you saw, the people went to theaters. People saw the film, people rewarded the film. So you cannot take that away. And I think, therefore, there will be places where the DVD will find a pride of place. So another thing that we have to leak online, and the Yeah, so I think we are already doing a number of things, but clearly it's not been enough. The fact that films are coming out so soon. We need a lot more to happen. We've actually come up with a whole list of initiatives that we are undertaking. And hopefully if we are able to enlist the entire industry in this, I think we'll be able to make some meaningful difference to this. सर सामने सर लेफ्ट पे ऊपर फर्स्ट एक सर हां मैं क्या कर रहा हूं